हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको यही दिखाने वाली हूँ कि छत पे, यहाँ पर यहीं पर आता है मेरा बेटा खेलने के लिए, तो मैं आज आपको पूरी छत का टूर कराती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए मेरी छत, ये हमारी छत है। आज मैं आपको अपनी पूरी छत का पूरा व्यू दिखाऊंगी कैसा लगता है, और आप भी आ जाइए देख लीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये ऊपर है, ये ऊपर टंकियां रखी हुई हैं, तो ऊपर ताला लगा हुआ है। ताला तो नहीं लगा, लेकिन छोटे बच्चे होते हैं ना, तो कई बार चले जाते हैं, ये इधर से भी जा सकते हैं। और ये हमारा बॉक्स है, तो उसको दिखा रही थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत सारी टंकियाँ वगैरह रखी हैं, नीचे भी रखी हैं और ऊपर के साइड में भी रखी हैं। ये देखिए मेरे बेटे की ये पतंग है, और ये लोग इंजॉय कर रहे हैं। तो ये मुझे काफ़ी दिन से बुला बोल रहा था, मामा ऊपर भी आया करो, मेरे साथ खेला करो। तो आज हम दोनों ही आँख चले गए थे थोड़ा इसको सरप्राइज़ देने के लिए, तो हमें देख के बहुत खुश हो गया था कि ये मम्मी पापा आए हुए हैं, तो वही इसलिए डांस कर रहा है बहुत ज़्यादा। वही बच्चे जब खुश हो जाते हैं ना, तो उनका कुछ ना कुछ होता है, कोई डांस करता है तो कोई बच्चा चिल्लाता है, तो इसी तरीके से ये पतंग उड़ा लेते हैं। और मैंने भी सोचा कि आपको भी दिखा देते हैं कि हमारी छत कैसी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसका ये लड़का है ना, ये इसके साथ आ जाता है साथ में ही, और तो भी यहाँ पर कोई दोस्त नहीं है इसका। और अभी एक तो बीमारी भी फैली है ना, तो कहाँ जाने दें बच्चे को। अभी बीच में बने थे एक दो, ये देखिए हर जगह शुरू हो जाते हैं अपने भाषण देने के लिए, तो माइंड मत करना, तो शूट नहीं करा मैंने। और शाम का नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा था, सारे अपने अपने छत पे घूम रहे थे, फिर रहे थे। हम भी थोड़ी देर के लिए चले गए थे, और हमने सोचा हम भी कर लेते हैं थोड़ा। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये यहाँ से जहाज जा रहा है, हेलीकॉप्टर प्लेन यानी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। आप मेरी बाइक के ब्लॉग को इतना सपोर्ट करें, जिसके लिए मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत आभारी हूँ। ऐसे ही आप रमा की किचन को सपोर्ट करते रहें, और हम भी आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते रहेंगे। मेरी वाइफ आपके लिए काफ़ी मेहनत कर रही है, और आज का जो ब्लॉग कैसा रहा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना। तो अब हमें आपको थोड़ा सा अपनी छत का ओवरव्यू दिखाना चाहते हैं कि कैसी हमारी छत है। आप ये देख सकते हैं, ये वाणी विहार है उत्तम नगर में, और बहुत ही अच्छा फ्लैट हमने लिया था आप सबकी दुआ से। तो ये देख रहे हैं आप कितना बढ़िया व्यू है, बहुत ही अच्छा नज़ारा है यहाँ पे, अभी आप देख पा रहे होंगे। और मैं आपको अपने स्वास्तिक को भी दिखाता हूँ, जो कि पतंग उड़ा रहा है, बहुत ही नटखट है वो, और अभी उसे पतंग उड़ाने का बड़ा शौक चढ़ा हुआ है, क्योंकि मैं भी आजकल फ्री रहता हूँ, तो हम शाम के समय पे आ जाते हैं और पतंग उड़ाते हैं। ये है मेरा प्यारा सा स्वास्तिक, आपको मैं दिखाऊं। पतंग वो तेरी, और ये लड़का है। हाँ भाई गंडे, ये स्वास्तिक का पार्टनर है, ये रोज उसके साथ पतंग उड़ाता है। ये मेरा स्वास्तिक है। स्वास्तिक हेलो बोलो सबको। हाय गाइस, बोलो हेलो गाइस। मेरी मम्मी के चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो आप एक चैनल में नए हो तो लाइक चैनल को सब्सक्राइब करें। अरे वाह भाई वाह, कितनी अच्छी बोलता है ये स्वास्तिक। आपने देखा दोस्तों कि स्वास्तिक कितना अच्छा बच्चा है, कितने अच्छे तरीके से बोलता है, और ये आने वाले टाइम पे इस चैनल पे आपको ये बताएगा कि कैसे बच्चों को पढ़ाते हैं, क्योंकि इसे बड़ा शौक है बच्चों का। ये हमारे घर की गली है, आप देख सकते हैं, और ये हैं रमा जी, जिनका ये चैनल है। ये हैं रमा जी, और आप ये देख पा रहे हैं, ये देखिए कितना नीचे है, डर लगता है वैसे तो यहाँ से ऐसे देखने से ना। तो ये हमारा चैनल, और दोस्तों मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहे कि आप अगर इस चैनल पे नए हुए तो प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। आप अपना ओपिनियन ज़रूर दें कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर कोई आपके पास हमारे लिए सजेशन हो तो वो भी देना ज़रूर,
और मैं स्वास्तिक थोड़ा सा हरा है। अब स्वास्तिक आपसे कुछ बात करना चाहेगा, बोलिए स्वास्तिक। हम फनी फनी वीडियोस डाले थे तो देखना, नहीं बोलना। बोले बाय बाय। तो फ्रेंड्स अब मैं आ गई हूँ अपने किचन में और बना लेती हूँ अपना डिनर। तो फ्रेंड्स मैंने तेल डाल दिया था और अपने लहसुन बना, उसको मैं ब्राउन होने तक भून लेती हूँ। अब मैं इसमें ब्राउन हो गए हैं, अब मैं इसमें चॉप किया हुआ प्याज डाल देती हूँ और साथ में मैंने इसमें दो मिर्ची डाल दी थी। हम ज़्यादा मिर्ची वाला नहीं खाते हैं क्योंकि मुझे खुद नहीं पसंद मिर्ची वाला, मेरे से खाया नहीं जाता। तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ फ्रेंड्स। तो मैंने सोचा कि ये रेसिपी आपको शेयर करनी चाहिए तो इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स मेरी ये रेसिपी ज़रूर बताना कि कमेंट करके कि आपको कैसी लगी। तो फ्रेंड्स हमें जब तक इसको अच्छे से पकाना है जब तक ये ब्राउन ना हो जाए, और बीच बीच में काफ़ी काम हो जाते हैं तो इसीलिए वो हो जाती है दिक्कत। और देखिए फ्रेंड्स ये मेरा हो गए हैं ब्राउन, ये क्या बोलते हैं ये प्याज मेरी लाल हो गई है। अब मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी, मैंने मीडियम साइज़ के दो टमाटर डाले हैं। इस तरीके से इसको हमें बना लेंगे। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हमें करना है और इसको हमें आप इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे 5 मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स ये मैंने 5 मिनट के लिए ही किया था, तो आप ये मत करना कि क्योंकि वीडियो होता है तो हम ज़्यादा लंबा लंबा कर देंगे तो फिर आप भी सोचेंगे बहुत ज़्यादा बड़ी है तो देखने में परेशानी होती है, तो इसीलिए उसको मैंने वो कर दिया था। सॉरी, ये देखिए नमक डाल देते हैं स्वाद अनुसार और इसमें थोड़ी सी हल्दी डालनी है 1/2 चम्मच, और अगर आप खाते हैं तो डाल सकते हैं। वैसे तो हल्दी अच्छी होती है तो मैं हर रेसिपी भी डालती हूँ और डालनी भी चाहिए, खानी भी चाहिए, हल्दी अच्छी होती है। और मैंने 1 चम्मच मिर्ची ली थी, लाल मिर्ची, ये कलर वाली मिर्ची है, मैंने आपको दिखाया था अपने राशन में हम तीखा लाल खाते हैं तो फ्रेंड्स वही वाली मिर्ची है, तो इसीलिए मेरी जो सब्ज़ी है वो थोड़ी सी लाल हो जाती है और इससे कलर बहुत अच्छा आता है सब्ज़ी वगैरह में। कई लोग कस्तूरी मिर्ची खाते हैं, हाँ कस्तूरी नाम होता है शायद उसका, कश्मीरी, हाँ जी सॉरी कश्मीरी लाल मिर्च बोलते हैं, वो भी खाते हैं, MDH की आती है वो, लेकिन मैं एवरेस्ट का तीखा लाल खाती हूँ। मेरी सास खाती थी तो उन्होंने मुझे बताया था कि मिर्ची बहुत अच्छी है खाना, तो मैंने एक बार ट्राई किया तो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो देखिए फ्रेंड्स ये मैंने ढक के रख दिया है, अब मैं इसको खोल के चेक कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैं चेक कर लेती हूँ, ये देखिए मेरा मसाला परफेक्ट हो गया है बिल्कुल ठीक तरीके से। अब जो मसाला था ना वो मेरे प्याज और जो उसमें जो मैंने डाला था उसमें अच्छे से मिल गया है, और अब मैं इसमें डाल देती हूँ अपनी भिंडी। और भिंडी मैंने ज़्यादा नहीं काटी थी, थोड़ी ही काटी थी क्योंकि ज़्यादा तो हमारे में इतना नहीं खाते हैं, थोड़े थोड़े खाते हैं, तो हो गई थी। हम 3 जने ही हैं फैमिली में, जो मेरा बेटा है वो तो बिल्कुल भी नहीं खाता भिंडी वगैरह, तो उसको तो अलग ही, उसके लिए अलग ही ट्राई करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा उसको मनाना पड़ता है खाने के लिए, तो जल्दी बच्चे खाते नहीं, आपको पता ही बच्चे खेल खेल में खा लेते हैं, खिलाए बिना तो मैं छोड़ती भी नहीं उसको। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से देखिए मिला लेते हैं ये पूरा मेरा अच्छे से जो भिंडी है और उसको मसाले को अच्छे से मिला लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स ये मेरे पूरा जो है, अब मैंने इसको मिला दिया था और अब मैं थोड़ी देर के लिए इसको ढक कर रख दूँगी ताकि जो मेरी भिंडी है वो पकती रहे। तो ये देखिए फ्रेंड्स
अब मैंने इसको खोल के भी चेक कर लेती हूँ। ये देखिए, तो ये मेरी थोड़ी थोड़ी सी नीचे से लग रही थी, मुझे मैंने सोचा कि अभी पकी भी नहीं। तो अगर फ्रेंड्स, अगर ऐसा अगर कुछ होता भी है ना आपके साथ, तो आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आपको थोड़ा सा ना पानी के छींटे दे देनी होती है, पानी छींटे से थोड़ा ना नीचे पानी आ जाएगा और जो हमारी भिंडी है वो सही से पक भी जाती है। तो फ्रेंड, इसी तरीके से मैं बनाती हूँ। आई होप आपको अच्छी लगी है मेरी रेसिपी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और इस चैनल पे अगर नए हैं तो फ्रेंड ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक तो ज़रूर करा करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो वो आ जाती है ना, वो तार तार सी बनी हुई, तो इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया है खुला। खुला छोड़ने से वो जो तार तार है ना, वो लप अजीब सा लगता है, वो लाल लाल सा तार तार सी आती है, वो तो मुझे अच्छी नहीं लगती। तो उसको थोड़ी देर के हम खुली छोड़ देंगे ना, तो वो खुद ही ख़त्म हो जाएगी। तो उसको चलाते भी रहना है बीच बीच में, ताकि जो हमारी रेसिपी है वो जले नहीं। तो फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी आप ज़रूर बताना आपको कैसी लगी है कमेंट करके। मैं बड़े ही दिल से ये वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ। और फ्रेंड्स, जो मेरी दो दिन से वीडियो नहीं आ रही थी, तो थोड़ी मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। तो आपको पता ही, तबीयत ख़राब हो जाती है तो ज़्यादा कुछ करता नहीं है। अभी मैं नई हूँ, तो इसलिए मेरा और ज़्यादा ख़राब हो गया था माइंड। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मेरी भिंडी तैयार हो गई है। अब मैं इसके बाद अपनी रोटी तैयार करूँगी। तो फ्रेंड्स, मैं आगे की वीडियो मैंने तैयार नहीं कर पाई, क्योंकि मैंने मेरे को देखा ही होगा आपने, मैंने साड़ी पहन रखी थी। तो मैं साड़ी पहन लेती हूँ ना, तो मैं शो पीस बन जाती हूँ, मेरे से काम नहीं होता, मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। तो फ्रेंड्स, इसलिए आगे की रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, मैंने खाना ही बना लिया था, वही बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ओके, बाय बाय।